दोस्तों आपने इस वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो आपसे गुजारिश है कि भाई बनकर दो मिनट मेरी बात पूरी ध्यान से सुन लीजिएगा। आप ही के फायदे की बात बता रहा हूँ। अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहा है, बहुत देर हो गई है, मैं ये मामला क्लियर करूँगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ। इतनी लंबी डेट मिलने के दो मुख्य कारण रहे हैं। एक कारण तो ये रहा है कि जो कर्मचारी चयन आयोग SSSC है उसको सभी पेपर की जाँच करके डिफ़िकल्टी लेवल पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, और इस पर दूसरा ये है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान है उसको भी एक रिपोर्ट तैयार करनी होगी जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है उसके बेस पर, और साथ में एक एक्सपर्ट वहाँ पर पहुँचाना होगा जो इसके बारे में समझा सके। तो अब पूरी तरह से मामला कोर्ट के हाथ में रह गया है। अब आपको कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सलाह मानो तो आप अपने आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि जिनको लगना है वो तो लगना ही चाहिए, भर्ती एक महीने में पूरी हो या दो महीने में, जिनका सिलेक्शन होना है उनका ओके रहेगा। और जो कैंडिडेट इस चक्कर में इधर उधर नारेबाजी कर रहे हैं, जो पहले किया था वो ठीक था लेकिन अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब आप बेमतलब का अपना टाइम खराब करोगे, अब आपको अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। अब कुछ कहेंगे कि क्या उस पर कोर्ट केस नहीं हो सकता, तो इसका भी जवाब दे देता हूँ। चाहे कोर्ट केस हो, इस भर्ती पर कोर्ट केस है, लेकिन जो टॉपर हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ही, चाहे कोर्ट केस कितनी बार हो जाए। इसी तरह CET में भी कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा ही जो टॉप पर होंगे, लेकिन अगर आप किसी की जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए इधर उधर घूमते रहेंगे तो आप दोनों तरह से जा सकते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। जो टॉपर है इस कॉन्स्टेबल भर्ती में उनको कोई आँच नहीं है। इसी तरह अगर आप CET में टॉपर हो जाते हैं तो आपको कोई आँच नहीं रहेगी, चाहे कोर्ट केस हो। तो मेरी आपसे ये अंतिम सलाह है, आप इसे माने या न माने ये आपकी मर्जी है। ये मेरे निजी विचार थे जो आपके साथ शेयर किए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।